हम गौमुख तो वहाँ का नज़ारा देखेंगे पूरा कैसा है। अभी तो हम जा रहे हैं और जैसे पहुँचते हैं तो आपको पूरा व्यू दिखाते हैं। तो यहाँ से बड़बुंजा जाएंगे आगे और वहाँ से जाएंगे गौमुख। केकड़ा स्कूल है गाइस महाराष्ट्र की बॉर्डर पे और लोकेशन देखिए यहाँ पर पूरा लोकेशन। फाइनली हम गौमुख पहुंच चुके हैं तो अभी यहाँ से यहाँ पर हमारा जो कार है वो पार्किंग कर दिया हमने। अब आगे चलते हैं और देखते हैं पूरा व्यू। तो यहाँ पर आपको थोड़ी होटल वगैरह भी मिल जाएगा जहाँ पर आप कुछ चाय नाश्ता करना चाहो या कुछ लेना चाहो तो आप ले सकते हो। देखिए यहाँ पर भी थोड़ी सी आपको छोटी सी होटल वगैरह मिलेगी। बंदर भी है देखिए। तो यहाँ पर कुछ दुकान भी आपको मिल जाएगी देखो इस तरह की। और जैसे हम आए वो ये वहाँ पर हमने मेरी कार पार्किंग कर दी थी और बंदर तो आप देख ही रहे हो। चलिए आगे चलेंगे यहाँ से थोड़ा सा इस तरह। ओके तो गाइस ये है गौमुख लोकेशन का पूरा वीडियो और यहाँ से इस तरह से आपको नीचे उतरना होता है। यहाँ पे लिखा भी है दो तरफ जहाँ जो हमारे रस्तों सो गाइज यहाँ पर वैसे आपको वाटरफॉल देखने को मिलता है। यहाँ पर एक दो वाटरफॉल है। पहले हम एक पहले वाला वाटरफॉल देख लेते उसके बाद दूसरे वाला वाटरफॉल देखेंगे गाइज। अब चलते हैं आगे। यहाँ पर बंदर जी भी है थोड़ा सा देखना पड़ेगा क्या है हमारे हाथ में। आगे चलते हैं यहाँ से नीचे की तरफ मंदिर की तरफ फिर मिलेगा नीचे की तरफ। और यहाँ पर आप बैठ सकते हो। तो ये है पूरा व्यू गाइस गौमुख का। फिलहाल जो यहाँ पर जो पानी है वो नहीं गिर रहा है क्योंकि अभी कुछ आगे ऐसी बारिश नहीं हुई होगी जिसकी वजह से पानी नहीं है। जो हम आए ऊपर की तरफ से आपको नीचे चल के आना पड़ेगा। पूरा जो इलाका है तो ये था गौमुख लोकेशन। अब फाइनली हम यहाँ से आगे जा रहे हैं तो वहाँ का लोकेशन देखते हैं। वैसे तो मैंने आपको यहाँ पर दिखा दिया और एक तो यहाँ पर है ऊपर। तो गाइस ये
है फाइनली गौमुख। यहाँ पर पानी 12 मंथ जैसे चलता रहता है, ये बिल्कुल नेचुरली है, कोई भी यहाँ पर पानी का स्टोर नहीं है, अपने आप ही यहाँ से निकलता रहता है पानी। और ये पानी जो है वो यहाँ से निकल के नीचे की तरफ चलता है, और जहाँ पर अभी हम थे जो मंदिर पे, ये वहाँ पर बिल्कुल निकलता है। अभी आप जो देख पा रहे हो यहाँ पर पूरा जो 12 मंथ कंटिन्यू जो पानी ये यहाँ पर कंटिन्यू चालू रहता है। पानी यहाँ से निकलने के बाद बिल्कुल नीचे की तरफ चला जाता है, यहाँ बिल्कुल नीचे की तरफ। सो गाइज, यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता है ये वाला। और ये है पार्किंग एरिया, और यहाँ से आप जो गौमुख की तरफ जाते हो वो रास्ता, यहाँ से आपको नीचे की तरफ जाना पड़ेगा। इतना ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, घूमने के लिए कुछ है बट वाटरफॉल है, और वो भी फाइनली अभी जो बंद है, तो यहाँ पर अभी घूमने का कोई आई थिंक फ़ायदा नहीं है। तो अगर आना चाहते हैं थोड़ा टाइम के बाद आना। चलिए गाइस, चलते हैं नेक्स्ट लोकेशन पर।